अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आसपुर से विधायक साहब माननीय उमेश जी डामर साहब से निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। शायरी हो जाए एक बार इनके लिए कि छोटी सी उम्र में बड़े बड़े तूफानों से टकराकर बने हैं, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े तूफानों से टकराकर बड़े हैं। कमल कांग्रेस के दल लो तुम भोकोगे और हम टूट जाएंगे, मजाक समझ रखा है क्या? हम जवान हैं बाप के, जवान हैं बाप के। आज उदयपुर लोकसभा की महा नामांकन रैली में प्रकाश भाई भूज के समर्थन में डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा और उदयपुर के सात विधानसभा के अलग अलग ब्लॉक से मंडल से तमाम कार्यकर्ता यहां पे भारी संख्या में आए और शोभा बढ़ाई और उदयपुर को एक मिनट के लिए हिला दिया, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद जोहर करना चाहूंगा। अभी मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी और मैं भी रखूंगा बात। आज आप लोगों ने देखा होगा यहां से दो गुना तीन गुना भीड़ और थी और कई लोग तो हमारे उदयपुर में ट्रैफिक इतनी ज्यादा है इस वजह से कई लोग उस समय भी नहीं आ पाए थे और ये कोई संख्या कम नहीं है, ये एक व्यक्ति 1,001,00,000 के बराबर मुकाबला करता है, वो भीड़ है यहां पे। क्योंकि आज एक दसाना लड़ुआ भी एक नहीं तो गाखरा पामड़ा देसी ना दसाना लड़ुआ खावा भी किया है और कई कबार जल्दी मां जाए बासा लड़ुआ बनाना किया है, इसलिए हार मत मानना, ये हम कोई कम नहीं है, हम बहुत आगे हैं। और मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूं, हमसे पहले नामांकन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने भरे हैं और दोनों पार्टी के नेता अधिकारी है, पैसे वाले हैं और दोनों पार्टी भी नेशनल पार्टियां हैं, फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी आज की अपनी जीत में, ठीक है। आज उनसे दो गुना भीड़ अपनी है, इसलिए हमारी मीडिया तो कभी देगी नहीं लेकिन आपने मीडिया हाँ आपने जीती रिया, मीडिया वाले कभी नहीं देंगे, वो मीडिया वाले इसलिए नहीं देंगे कहेंगे वो भी उनकी भी बेचारे मजबूरी है। आज नेता बड़े बड़े डर के ईडी के डर से भाग रहे हैं तो मीडिया नहीं भाग सकते क्या? तो मीडिया को भी डर है कि थोड़ा बहुत खजाना अगर हमारे पास कहीं इधर इधर होगा तो साला कहीं ईडी हमारे घर आ जाए तो इससे बढ़िया मोदी की बात माने। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप डरना मत, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की सुरक्षा करने का दिन है आज। आज मोदी देश पे झूठ बोला जा रहा है। आज हमारे कई लोगों के आदिवासियों की जमीन हड़प ली, आज फिर भी कह रहा है मैं आदिवासियों को पट्टे दिया जा रहा हूं, फिर भी कह रहा आदिवासी के हक अधिकार की बात करता, बोलता है नहीं बोलता। और मोदी इतना झूठ है कि मुंह है इसका कुछ भी बोल देगा, अगर देश की गोबर भी पड़ी हो तो उसको भी हलवा बना के खिला दे, इतना मोदी झूठ है। इसलिए आप सभी साथियों से मुझे निवेदन है, हर गांव के अंदर, हर पाल के अंदर, हर घर के अंदर आवाज करना और आवाज भेजना कि मोदी एक नंबर का झूठ है और मोदी के जो सेला है, जो मोदी के ठेकेदार है, वो भी बड़े झूठ है, उनको हमको वोट देने की जरूरत है। हमें अगर वोट देना है, हमारी आदिवासी के आवाज को सुरक्षा कर सकता है तो हमारे भाई प्रकाश भाई बूथ कर सकता है, दिल्ली के अंदर अगर आवाज उठा सकता है तो प्रकाश भाई बूथ उठा सकता है, उस भाई को हमको जिताना होगा, यह हर घर के अंदर आवाज होनी चाहिए।
आज कांग्रेस भी दोनों धुन में लगी हुई है। आधे अधूरे नेता थे वो भी चले गए ईडी के डर से, और कुछ रहे वो भी फड़फड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो यहाँ पे कैंडिडेट तक नहीं मिला, इसलिए बाहर पैराशूट के रूप में कैंडिडेट लाए। लायक नहीं लाए? एक बात को कि आदिवासी ने अपनी परंपरा है सदियों से, अपने गैर माँ अपने गैर भागी है, या बस अपने खेत है तो आना खेत में खेती अपने बीजो आवीन करे आप इस करा के, तो ये बीजा आदमी खेती करवा आवे है आना विधानसभा लोकसभा उदयपुर सीट पे, तो आपने करवा दिए बड़े तो वोट आलवा बड़े, तो आपड़ा भाई कौन है? आपड़ा भाई प्रकाश भाई भूज है, आपने खेत नो मालिक और उदयपुर लोकसभा नो सीट नो मालिक अगर वोट का हकदार है तो हमारा प्रकाश भाई भूज है। आज वो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अधिकारी नेता है, और अधिकारी रहते हुए 5% भी आदिवासियों को भला करने का काम नहीं करा है। क्या आज जीतने के बाद भला कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या उन्होंने आदिवासियों का क्या संस्कृति है, आदिवासियों की क्या परंपरा है, आदिवासियों के गांव में क्या दुख है वो नहीं समझ सकते हैं? तो उनको क्या वोट देकर जिससे ये अपने लोगों को फायदा कर सकते हैं क्या? आज हमारे बीच में जो प्रकाश भाई भूज है, इस भाई को हमारी संस्कृति पता है, इस भाई को हमारी परंपरा को पता है, इस भाई को संविधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है इसके बारे में पता है, आदिवासी को दुख को पहचान सकता है, वो आदमी हमारे दिल्ली में जाके आवाज उठा सकता है, वो लोग नहीं उठा सकते। आज यहां पे उदयपुर के भाई भी मेरे को कई सारे फोन कर रहे थे, जनरल कास्ट वाले भी फोन कर रहे थे कि एमएलए साहब कल आपका नामांकन है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं यहाँ पे, नाम मात्र खाली बीजेपी बोल रहे हैं लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो दुकान के आगे जिस दुकान का ठेला लगा रखा था उस पे भी हमारे 100-500 हजार रुपए कमा रहे, तो वो भी बीजेपी ने छीन लिया, तो क्या उनको हम वोट देंगे क्या? इसलिए फिक्र मत करो, आज एससी समाज हमारे साथ जुड़ा है, ओबीसी समाज जुड़ा है हमारे साथ, और जनरल समाज से भी जो प्रताड़ित है भाई वो लोग भी भारत आदिवासी पार्टी के अंदर समर्थन कर रहे हैं और वोट भी देंगे और हमारे उदयपुर से सीट भी जीतेंगे। लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी होगी, हम लोगों को मेहनत करनी होगी, तब जाके हम जीत हासिल करेंगे। आज 3.5-4 लाख वोट तो अपने है ही से, मात्र 2-3 लाख और वोट चाहिए और हमारे जीत हासिल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज प्रकाश भाई भूज को जितने जानते हैं इस 8 विधानसभा में, इतने क्या कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट है उसको जानते हैं क्या? जानता कोई क्या? एक भी भाई अगर हाथ खड़ा करके बता दो कि कांग्रेस बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको जानते हो तो बता दो आप। तो आप नहीं जानते हैं तो क्या 8 विधानसभा के लोग जानते होंगे क्या? जबकि रात दिन सोशल मीडिया पे आप टमटमा पे बात करते हो, वो अगर नहीं जानते हो तो क्या वो गांव में बैठे हुए घर में बैठे हुए जो सोशल मीडिया से कोई लेन देन आनी है क्या वो जानते होंगे क्या? लेकिन ये बॉस एक झूठ पे झूठ बोल के, मैंने एक ही बात करी थी, देश की गोबर को भी हलवा बना के खिलाना का काम कर रही है, इस तरह से सोशल मीडिया भी चला लेती है। तो आप लोग सतर्क हो जाना, मेहनत करनी है, ये लोकतंत्र का जीत करनी है, और हम हमारे संविधान की सुरक्षा करनी है, हमारे इस एरिया के अंदर जो जल जंगल जमीन हमारे सुरक्षित नहीं है उनको सुरक्षित के लिए हमारे दिल्ली आवाज जाएगी, हमारे एरिया के अंदर जो डैम बड़े हुए बड़े बड़े आज तक हमारे आदिवासियों को घर तक पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, आज तक हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है सिंचाई के लिए, इसके लिए हमारे दिल्ली आवाज जाएगी। आज हमारे एरिया के अंदर कई सारे स्कूलें हैं, उस स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं मिलता है, स्टाफ मिलता है तो हमारी छतें सही तरह से नहीं मिलती है और वहां पे हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उसके लिए हमारे सुरक्षा के लिए हमारी बात करेंगे प्रकाश भाई। हमारे एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटलों के अंदर
अच्छी सुविधा न्याय सुविधा के लिए हमारे आवाज उठाई। आज हम लोग मेरे साथी थावरचंद जी और मैं और एक हमारा भाई बड़ा था जो सीनियर राजकुमार जी रोहत साहब, वो शायद हमारे साथ दे रहे क्योंकि वो तो डमके के चोट पे दिल्ली पहुंच ही गए ऐसा लगा। आपको भी रात को सपना आया होगा और कल बांसवाड़ा के अंदर तो पूरा जाम हो गया था, रात को शायद मालिवा जी को नींद भी नहीं आई होगी। तो इसीलिए हमारे भाई हम दो हैं और दो की जगह पांच होने वाले हैं विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर तो हम संभाल लेंगे लेकिन हमारी आवाज दिल्ली भी भेजनी पड़ेगी। इतनी भेजनी पड़ेगी। सदन तीन प्रकार की है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में अपना व्यक्ति भेजने पड़ेगा कि भेजना पड़ेगा, हमारी आवाज वहां उठानी पड़ेगी कि पड़ेगी। इसीलिए हमारे राजकुमार जी के साथ हमारा प्रकाश भाई घूस को भी भेजने की जरूरत है। और प्रकाश भाई कल एक बात कह रहे थे कि दिल्ली बहुत दूर है, पर मुझे नहीं लग रहा दिल्ली इतनी दूर है। और ये कह रहे थे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में दिल्ली दूर है, इसे दो ड्राइवर की जरूरत है। तो मेरे को भी उनके साथ कर देना है। मैं कह रहा हूं आप दो दिन तीन ड्राइवर साथ करके दिल्ली भेजेंगे, चित्तौड़ वाला भी आपके साथ आएगा। क्योंकि इतने आदिवासी कमजोर नहीं है। आज ये जितने भी लोग देख रहे हो अपने सेम खर्चे से आए हैं, ये भाड़े की किराए की भीड़ नहीं है, जनता नहीं है ये। इसलिए परिवर्तन जरूर होगा और उदयपुर में जरूर परिवर्तन होगा और डमके के चोट पे होगा, लेकिन आप लोगों को कमाल कर देनी है। आज भी कई सारे गांवों में लोग हैं वो भी मेहनत करने के लिए तैयार है। आप सबका मुझे और भी और एक और होगा जो मैं बात भूल रहा हूं। मैं अभी कई सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले प्रचार करने भी लिए आएंगे और कुकड़े बोकड़े पैसे लेके भी आएंगे। तो उनका क्या करना पड़ेगा? आप तो उनका कोई तोड़ है कि नहीं है? हमारे आसपुर विधानसभा में और दरियाबाद में और 84 में तोड़ निकाला था, बहुत बांटा था वहां रुपया कुकड़े दारू बांटा था कि नहीं बांटा था? लेकिन सब ले लिया और सबकी वाड़िया उठा दी। और जब गणना हो रही थी एक बीजेपी का अभिकर्ता था जो वो बोल रहा था कि आप विधायक तो बन गए एमएलए साहब, लेकिन हमने इतना रुपया बांटा, इतने मुर्गे बांटे, इतने सारा खर्चा करा, वो खर्चा कहां गया ही करा। मैंने कहा वो आप ही सोच सकते हो, हम नहीं सोच सकते। तो वो काम आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब कैसे करना वो आप लोगों को निर्भर करेगा। इसलिए हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास वोट जरूर है। और वोट एक एक वोट गिन गिन के हमारे बूथ पे डलवाने पड़ेंगे। एक एक पंचायत के अंदर 7 फले है, एक फला है, एक फले के अंदर 400 वोट है, 300 वोट है, 300 से 400 वोट आपको डलवाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब जाके भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। और वो हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। हम लोग पहले नहीं थे जो कांग्रेस बीजेपी वाले कहते थे ये शोर वाली पार्टी है, बुजुर्ग कहते थे शोर वाली पार्टी है, लड़के कह रहे थे बुजुर्ग वाली है, लेकिन वो दिन नहीं है। आज की तारीख में ढोल की ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये आदिवासी ने समझ लिया। इसलिए बुजुर्ग और युवा साथ में लेके लड़ रहा है, इसलिए हमारी जीत जरूर होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप सबने मेरी बात को सुना, मैं ज्यादा बातें कुछ नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच में दो दो मिनट जो प्रत्याशी रहे हुए वो भी भाई रखेंगे, उनके भी हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखना। ये नई क्रांति है और नए लोग हैं और हम नया ही काम करेंगे आपके सामने, ये आप सबसे वादा कर रहा हूं। आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार, जय आदिवासी। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, भूल रहा हूं, यहाँ के स्थानीय भाई बता रहे थे अभी, ये सामने में नगर जो नगर निगम देख रहा हूं और उसके सामने एक तिरंगा जो झंडा लहरा रहा है उसको मैं सलाम करता हूं, लेकिन इसके पास में जो भगवा लगा रखा है वो किसके हिसाब से लगा हुआ? क्या ये असंवैधानिक है? तो मैं प्रशासन से कह देना चाह रहा हूं कि कमिश्नर महोदय तक आवाज पहुंचा देना
ये झंडा हटा दे उसमें कृपा रहेगी, वरना फिर बिल प्रदेश का झंडा लगेगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ज्यादा और नहीं कह रहा, मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।